दिल्ली की आप पार्टी का विवादों से ऐसा नाता जुड़ चुका है जैसे चोली दामन का साथ हो। एक बार फिर पार्टी के अंदर घमासान जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं, और इस बार अगर कोई निशाने पर है तो वो है पेशे से कवि और राजस्थान के पार्टी प्रभारी कुमार विश्वास। दरअसल आप पार्टी के दफ्तर के बाहर कुमार विश्वास के खिलाफ विवादित पोस्टर लगाए गए हैं। लगाए गए पोस्टर में लिखा है, भाजपा का यार है कवि नहीं गद्दार है, ऐसे धोखेबाज को बाहर करो बाहर करो। इसके साथ ही कुमार विश्वास का काला सच बताने के लिए पार्टी के नेता दिलीप पांडे का आभार व्यक्त किया गया है। एक तरफ जहां पोस्टर के ऊपर केजरीवाल समेत कई नेताओं की तस्वीर लगाई गई है, तो वहीं आखिर में दिलीप पांडे की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है। हालांकि इन पोस्टरों को किसने लगाया ये तो साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इन पोस्टरों के जरिए कुमार विश्वास पर जमकर हमला किया गया है। वैसे आपको बता दें कि दिलीप पांडे ने कुमार विश्वास के उस बयान पर सार्वजनिक रूप से सफाई मांगी थी जिसमें उन्होंने वसुंधरा राजे पर निजी हमला नहीं करने की बात कही थी, और अब इन पोस्टरों से साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर कुमार विश्वास के खिलाफ नाराजगी चल रही है। भले इस पर पार्टी का कोई भी नेता खुलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन कुमार विश्वास के कड़े तेवर और पार्टी नेताओं की तीखी बयानबाजी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है।